नमस्कार दोस्तों, T20 विश्व कप की मेजबानी करना चाहता है अमेरिका। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप T20 वर्ल्ड कप को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड यानी US क्रिकेट ने वेस्टइंडीज के साथ मिलकर 2023 की T20 विश्व कप की मेजबानी करने की इच्छा जताई है। बोर्ड ने कहा है कि अमेरिका में 1994 में फुटबॉल विश्व कप का सफल आयोजन हुआ था और ऐसे में उसे T20 विश्व कप की मेजबानी मिलने की उम्मीद है। इस देश में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, उससे उसे उम्मीद है कि स्टेडियम खचाखच भरे रहेंगे। अमेरिका में 1994 में फीफा विश्व कप का आयोजन तब किया था जब फुटबॉल की लोकप्रियता बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल और बास्केटबॉल की काफी कम थी। इसके बाद भी लगभग 35 लाख लोगों ने इस विश्व कप में मैचों को स्टेडियम में आकर देखा था। BBC स्पोर्ट्स ने अमेरिकी क्रिकेट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी इयान हिगिंग्स के हवाले से बताया है, अगर अमेरिका में विश्व कप T20 को खेला जाए तो हर स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा। अगर आप अमेरिका में खेलते हैं तो सभी आयोजन स्थल के सभी टिकट को बिका पाएंगे। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडर हिल सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क ने 6 एक दिवसीय और 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की है। यहां अगस्त में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 T20 मैचों को खेला गया था। भारत ने भी फ्लोरिडा में दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। ICC के पूर्व अधिकारी हेगिंग्स का मानना है कि गैर पारंपरिक स्थल पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बड़ी दिलचस्पी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि ICC को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वह अमेरिका में T20 विश्व कप करने की हिम्मत दिखाए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे पास अच्छे स्टेडियम है जिसे ICC की ज़रूरत के मुताबिक बदला जा सकता है। हिगिंग्स ने कहा कि आप सोच कर देखिए, T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान अमेरिका में खेल रहे हैं, आप इतना बड़ा स्टेडियम नहीं बना पाएंगे जिससे इतने सारे प्रशंसक आ पाए। उन्होंने कहा कि हमारी योजना देश में कम से कम 6 ऐसे स्टेडियम बनाने की है जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने में सक्षम हो। अमेरिका को पिछले साल ही ICC से वनडे मैच खेलने का दर्जा मिला था। हिगिंग्स ने कहा कि अमेरिका अगले एक दशक के अंदर टेस्ट का दर्जा हासिल करना चाहता है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि कम समय में ICC के पूर्ण सदस्यों के साथ सीरीज खेले और अगले 10 साल में ICC के पूर्ण सदस्य का दर्जा हासिल करें। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।